कृष्ण और पूतना। अगली सुबह गोकुल में खबर फैल गई कि नंद के घर लड़का पैदा हुआ है। उसका नाम कृष्ण रखा गया है। अब कंस, जो कि अंधविश्वासी था, जानता था कि उसका संहार करने वाला अभी भी जीवित है और गोकुल में है। इसलिए उसने पूतना नाम की एक राक्षसी को गोकुल भेजा। उसने पूतना को गोकुल जाने का आदेश दिया और कहा कि वह श्रावण मास में पैदा होने वाले हर बच्चे को मार दे। अब पूतना ने अपनी जादुई शक्ति से एक सुंदर औरत का रूप धारण कर लिया। उसने अपनी छाती पर जहर का लेप कर लिया। वह गोकुल पहुंची। उसने उस उम्र के सब बच्चों को ढूंढा। उसने ऐसा जतलाया जैसे कि वह बच्चों के साथ खेल रही हो। तब मौका देखकर वह उन्हें अपनी जहरीली छाती से दूध पिला देती। उसने बहुत से बच्चों को मार दिया। गोकुल का माहौल छोटे बच्चों की मृत्यु के कारण अस्त व्यस्त हो गया। अंत में वह नंद के घर पहुंची। उसने कृष्ण को वहां देखा। उसने ऐसा दिखाया जैसे कि वह बच्चे के साथ खेल रही हो। उसने उन्हें उठाया और दूध पिलाना शुरू किया। क्योंकि कृष्ण जी एक दैवी शक्ति होने के कारण उसके बुरे इरादों को पछाड़ते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। अब वह मर चुकी थी और सारा गोकुल सुरक्षित था। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusKidsWorld.